दलित दूल्हे की बारात पर फिर हमला। जातिवादियों ने घोड़ी चढ़ने पर किया हमला। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहां से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहां से चाहे वहां से अपनी राज निकलवा सकता है। दलित परिवार पर किया पथराव। पत्थरबाजी की तस्वीरें एमपी के छतरपुर से आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि पथराव करने वाले जातिवादी दलितों के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि दलित दूल्हे ने घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की कोशिश की थी। छतरपुर में दलित दूल्हे की बारात पर पथराव करने का मामला सामने आया। दलित दूल्हे को घोड़ी पर सवार देख गांव के जातिवादी नाराज हो गए और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने दूल्हे की घुड़चढ़ी पर पथराव कर दिया। तुम लोग उस तरह मत जाओ, इधर आ जाओ। सुनो, उधर कहाँ जा रहे, इधर जाओ दूल्हा के साथ। घुड़चढ़ी में 40-50 बार आती थे। घटना बकसवा थाना क्षेत्र के चोरई गांव में सोमवार शाम की है। पथराव में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 20 आरोपी नामजद हैं। पुलिस कार्रवाई मंगलवार सुबह 4 बजे तक चलती रही। अपना मोहल्ले ही में घूम रहा है। घटना की जानकारी के बाद एसपी अमित सांघी और एएसपी सहित 2 थानों का बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद भी पथराव नहीं रुका। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिस की मौजूदगी में ही बारात को सागर जिले के शाहगढ़ के लिए रवाना किया गया। पुलिस सुरक्षा में ही रास फिराई गई, तब कहीं जाकर देर शाम बारात शाहगढ़ के लिए रवाना हुई। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहां से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहां से चाहे वहां से अपनी राज निकलवा सकता है। ठीक है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक दलित दूल्हे की बारात पर हमला करने वाले ज्यादातर यादव जाति के हैं, यानी एक बार फिर से ओबीसी जाति ने हिंदू बनकर दलितों पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मारपीट करने और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन इस घटना ने फिर से एक बार एमपी में दलितों की दयनीय स्थिति को उजागर कर दिया है। एमपी की शिवराज सरकार दलितों को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम है। सवाल उठता है कि दलितों के खिलाफ इस तरह की घटिया सोच आखिर कब बदलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद हो तो हमारा साथ दें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।